हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आर यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस। पिछली वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम शॉर्ट फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं जो कि रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स में, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, उसमें पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्या है? फुल फॉर्म ऑफ कॉनकोर, कॉनकोर की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंटेनर कॉरपोरेशन, बी कैरिज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड ऑप्शन नंबर डी कंटेनर कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, कॉनकोर है क्या? पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि ये PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच वर्क्स इन ट्रांसपोर्टिंग एंड हैंडलिंग ऑफ कंटेनर, यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है प्लस हैंडलिंग, जो हमारे कंटेनर्स होते हैं उनका उनके ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग का ये काम करती है, जिसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, फुल फॉर्म ऑफ कोर, कोर की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इक्विपमेंट, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इक्विपमेंट और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसका जो आंसर होगा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ नेटवर्क इन रेलवे, यानी कि जितना भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होता है वो इसके अंडर में होता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1979 में। अगर हेडक्वार्टर अगर इसका पूछा जाता है कि कोर का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका आंसर आप देंगे प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, जो कि यूपी में। नेक्स्ट वन, फुल फॉर्म ऑफ CPDE, CPDE की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन देखेंगे इसके। ऑप्शन नंबर ए चीफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर, चीफ प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफिसर, कैरिज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर एंड डी चीफ प्लानिंग एंड डीजल ऑफिसर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीफ, C4 चीफ प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफिसर। यहाँ पर ओ होना चाहिए वैसे, CPDO चीफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, COS, COS की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोलर सेफ्टी, चीफ ऑफिसर ऑफ स्टोर्स, चीफ ऑफ सप्लायर्स या कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स इसका आंसर है। ये फुल फ्लेज एक स्टोर की तरह होता है, क्योंकि सेंट्रल रेलवे में होता है इसका ऑफिस। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25, फुल फॉर्म ऑफ CPM, CPM की फुल फॉर्म क्या होती है? इसे हम देखेंगे, इसके ऑप्शन देखें। ऑप्शन नंबर ए चीफ पर्सनल मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी चीफ प्रोजेक्ट मास्टर, ऑप्शन नंबर डी कंबाइंड प्रोजेक्ट मैनेजर। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर।
नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26, CPTM, CPTM की फुल फॉर्म क्या है? चीफ पैसेंजर ट्रेवल मैनेजर, चीफ पैसेंजर ट्रैफिक मास्टर, कॉमन पैसेंजर ट्रैफिक मैनेजर, चीफ पैसेंजर ट्रैफिक मैनेजर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीफ पैसेंजर ट्रैफिक मैनेजर। नेक्स्ट वन, एक बार आप इस वीडियो को थोड़ा हम स्लो रखा है, बाकी अगर आपको इसको दोबारा जब रिवाइज करना हो तो स्पीड को आप 2x पर कर लीजिएगा, और एक बार इसको रिवाइज कर लेना तो सारे जितने भी फुल फॉर्म्स हैं आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, फुल फॉर्म ऑफ CRB, CRB की फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ रेलवे बोर्ड, चेयरमैन रेलवे ब्रिज, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, चेयरमैन रिटायरमेंट बोर्ड। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड, जो कि एक एक तरीके से ये जो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की एक पोजीशन होती है, जिसकी जो हेड है जया वर्मा सिन्हा है। अगर प्रेजेंट में पूछा जाए कि CRB यानी कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड कौन है, तो इसका आंसर आप देंगे जया वर्मा सिन्हा। ये लिख देता हूँ यहाँ पर, जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 28, CRIS, क्रिस, CRIS की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन देखेंगे इसमें, सेंटर फॉर रेलवे इंक्रीमेंटल सिस्टम, चीफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, चीफ ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सोसाइटी, कंबाइंड रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CRIS, चीफ ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका सही आंसर होगा। अब ये क्रिस होती क्या है? ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। जितना भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क होता है या जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो क्रिस के अंदर होती है, यानी कि जितना भी IT प्लस और आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी वर्क है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है क्रिस। अगर हेडक्वार्टर की आप अगर इसकी बात करते हो, हेडक्वार्टर इसका होगा नई दिल्ली, नई दिल्ली में इसका, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, CRS, CRS की फुल फॉर्म क्या होती है? काउंसलर रेलवे सेफ्टी, चीफ रेलवे सेफ्टी, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी या कमिश्नर रेलवे सिस्टम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, यानी कि ये रेलवे की सेफ्टी से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, जो सेफ्टी को सुनिश्चित करने काम करते हैं और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, उनको हम बोलते हैं कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। अगर बात करें प्रेजेंट में आपके CRS कौन है, तो प्रेजेंट में जो आपके CRS हैं वो हैं श्री जनक कुमार गर्ग। जनक कुमार गर्ग कमिश्नर है रेलवे सेफ्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, फुल फॉर्म ऑफ CRSE, CRSE की फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ रेलवे स्टॉक इंजीनियर, चीफ रोलिंग स्टॉक इंजीनियर, चीफ रोलिंग एंड स्टोर इंजीनियर, चीफ रोलिंग एंड सेफ्टी
इंजीनियर। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीफ रोलिंग स्टॉक इंजीनियर। ये एक तरीके से आप इसको ये समझो कि ऑफिसर इंचार्ज होते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, ऑफिसर इंचार्ज हम इनको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। सीटीसी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। देखिए जो ऑप्शन दे रखे हैं बिल्कुल सारी ऐसे लगेंगे कि इसका सभी हो सकता है, बट एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर आप करेंगे तो ये सारे के ऑप्शन आपको, इनको आप याद कर सकते हैं। कलकत्ता ट्रेनिंग कमिटी, कलकत्ता ट्रामवेज कॉरपोरेशन, कलकत्ता ट्रेवल कॉरपोरेशन। तो ट्राम्स आपने देखी होंगी, ये कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर। आपने देखा होगा कि एक इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ होता है और उन पर जो ट्राम्स होती हैं, एक ट्रेन तो नहीं कह सकते आप उनको, एक छोटी बस के बराबर होती है जो कि सड़कों पर चलती है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता ट्रामवेज कॉरपोरेशन। ये एक ओल्डेस्ट इलेक्ट्रिक ट्राम है इंडिया के अंदर, पहली चीज़ तो। और आपको एक चीज़ और पता होगी कि जो पहली मेट्रो चलाई गई थी वो कहाँ पर चलाई गई थी? कोलकाता के अंदर। और इसको जो ऑपरेट ये हो रहा है 1992 से, इसको 1992 नहीं होगा, 1902 होगा, 1902 से ये ऑपरेट हो रहा है, जिसको मर्ज किया गया था WBTC के साथ, वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ 2016 के अंदर। यानी कि अगर क्वेश्चन ये बनता है कि भाई जो आपका CTC है, कलकत्ता ट्रामवेज कॉरपोरेशन है, इसको मर्ज कब किया गया था? मर्ज किया गया था 2016 में, किसके साथ? WBTC के साथ। क्वेश्चन नंबर 32, फुल फॉर्म ऑफ DDS। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, DDS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन देखेंगे, डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम, डायग्नोस्टिक डाटा सिस्टम, डायग्नोस्टिक डिज़ाइन सिस्टम, डायग्नोस्टिक डिस्प्ले सिस्टम। तो इसका जो आंसर, सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डायग्नोस्टिक डिस्प्ले सिस्टम। डायग्नोस्टिक डिस्प्ले सिस्टम मतलब एक तरीके का डिस्प्ले सिस्टम होता है जिसके ऊपर हम देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ट्रेन के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, DPCS। DPCS क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड पावर कंट्रोल सिस्टम, डायग्नोस्टिक पावर कंट्रोल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, या डिस्ट्रीब्यूटेड पावर कंट्रोल साइट। तो इसका जो DPCS का जो इन्फॉर्म होगी, ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर कंट्रोल सिस्टम, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, फुल फॉर्म ऑफ EPCU। EPCU की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रिकल न्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट, इलेक्ट्रो पावर कंट्रोल यूनिट, इलेक्ट्रिक प्रेशर कंट्रोल यूनिट, या इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट। एक तरह का कंट्रोल सिस्टम है ये, इलेक्ट्रो पी फोर इलेक्ट्रो, न्यूमेटिक पी साइलेंट है, न्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट वन, फुल फॉर्म ऑफ ETP। ETP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंजन टेम्परेचर प्रोब, इलेक्ट्रिक टेम्परेचर प्रोब, इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर प्रोब, या इंजन टेम्परेचर पार्ट। तो इसका जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इंजन टेम्परेचर प्रोब। एक तरह मॉनिटर करता है टेम्परेचर को, टेम्परेचर ऑफ कूलेंट, ये मॉनिटर करता है टेम्परेचर को, मॉनिटर करेगा किसको? टेम्परेचर को, किसके? कूलेंट के।
नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 36, फुल फॉर्म ऑफ फायर, फायर की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए फंक्शनली इंटीग्रेटेड रेल रेल रोड इलेक्ट्रिकल, फंक्शनली इंप्लीमेंट्री रेल रोड इलेक्ट्रॉनिक, फंक्शनली इंटीग्रेटेड रेल रोड इलेक्ट्रॉनिक, फंक्शनली इंटीग्रेटेड रेलवे इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दैट विल बी सी, यानी कि फंक्शनली इंटीग्रेटेड रेल रोड इलेक्ट्रॉनिक, फंक्शनली इंटीग्रेटेड रेल रोड इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट वन, फुल फॉर्म ऑफ ईडीपीएम, ईडीपीएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकल डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर, इलेक्ट्रिकल डेटा प्रोटेक्शन मैनेजर, या इलेक्ट्रिकल डिजिटल प्रोसेसिंग मैनेजर। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ई फॉर इलेक्ट्रिकल डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होता है कलेक्टिंग रिकॉर्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग द इलेक्ट्रिकल डेटा। कलेक्ट जो भी कलेक्शन होता है, जो भी रिकॉर्डिंग होती है, जो भी डेटा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होता है उसको मैनिपुलेट, उसको एनालाइज करने का काम ये किया जाता है इसके अंतर्गत। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, फुल फॉर्म ऑफ ईएमएम, ईएमएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस मैनुअल, इंजन मेंटेनेंस मैनुअल, इंजन मेंटेनेंस मैकेनिज्म, इंजन मैकेनिकल मैनुअल। तो जो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन मेंटेनेंस मैनुअल, यानी कि एक मैनुअल है इंजन के मेंटेनेंस के लिए, तो इंजन मेंटेनेंस मैनुअल। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। FOIS इम्पोर्टेंट है, FOIS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी फास्ट ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, फ्राइट ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, फ्राइट ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन स्कूल, फ्राइट ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन सिमेट्री। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बी फ्राइट, FO फ्राइट ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका देखिए काम क्या होता है, ये एक तरीके से पूरा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जो कार्गो के कंटिन्यूस मूवमेंट पर और उसकी विजिबिलिटी पर एक तरीके से नज़र रखता है। नेक्स्ट वन, तो वॉइस आपको समझ में आया होगा होता क्या है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जो कंटिन्यूस कार्गो विजिबिलिटी को अप टू डेट रखता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 40, जीपीआरएस क्या होता है? ये तो आपने सुना होगा जीपीआरएस वर्ड, तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे आप, जनरल पब्लिक रेडियो सर्विस, ग्रुप पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेलवे सर्विस। तो जो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनरल पैकेट जीपीआरएस, कहते हैं मोबाइल में जीपीआरएस है, तो जनरल पैकेट पैकेट रेडियो सर्विस। देखिए क्या करता है ये काम, ये इसका काम ये होता है, ये अलाउ करता है इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड वाया मोबाइल नेटवर्क, यानी कि मोबाइल के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है वाया मोबाइल एंड सैटेलाइट, जो भी इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो जीपीआरएस के थ्रू किया जाता है। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी, मल्टीमीडिया मैसेजिंग भेजने में भी काम आता है इंटरनेट कनेक्टिविटी। और जितना भी हम मल्टीमीडिया मैसेजेस वगैरह करते हैं वो जीपीआरएस के थ्रू हम करते हैं, तो मोबाइल इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन में जो काम आता है वो जीपीआरएस होता है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। तो
इस वीडियो में अभी 20 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।